रामगढ़िया सिख फाउंडेशन ऑफ ओंटारियो कैनेडा वालों स्पॉन्सर चौथा अंतरराष्ट्रीय सरबसांझा कवि दरबार ब्रैम्पटन दे सेंचुरी गार्डन सेंटर विच करवाया गया। विश्व भर तो पहुंचे कवियां लेखकां साहित्यकारां दे हाजिर विच एक कवि दरबार अमिट पैड़ां छड़दा समाप्त होया। मेयर पैट्रिक ब्राउन उद्घाटनी समारोह विच शामिल होए अते होर भी राजनीतिक समाजिक अते धार्मिक हस्तियां ने इस कवि दरबार विच हाजिरी भरी। विश्व प्रसिद्ध शायर बाबा नजमी जी पाकिस्तान तो विशेष तौर ते इस समागम विच हाजिरी भरली पहुंचे। स्टेज की कारवाई प्यारा सिंह कुदोवाल अते हरदयाल सिंह चीता वालों निभाई गई। रामगढ़िया सिख फाउंडेशन दे चेयरमैन दलजीत सिंह गैदू वालों आईया शख्सियतां दा धन्नवाद कीता गया। पेश है ब्रैम्पटन तो चमकौर सिंह माछीके दी एक खास रिपोर्ट। किस तरह बंजर हुई यह भी पढ़ांगे कल। अजे पर थालू ही पढ़ते हाँ जा कश्मीर पढ़ते हाँ। यह धरती किस तरह बंजर हुई यह भी पढ़ांगे कल। अजे पर थालू ही पढ़ते हाँ जा कश्मीर पढ़ते हाँ। और कदी पढ़ते हाँ अपने चेहरे अंदर गुम रहा चेहरा, कदी पढ़ते हाँ अपने चेहरे अंदर गुम रहा चेहरा। कदे पैरां दुआले कस रही जंजीर पढ़ते हाँ, कदी पैरां द्वारे कस रही जंजीर पढ़ते हाँ। घरों तुरदे हाँ रस्ते विच सौ शमशीर पढ़ते हाँ। किसी की तीर ही पढ़ते किसी के तीर पढ़ते। हाँ जी, जिहड़ा अज दा RSF ने अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन करवाया है, बड़ी खुशी हो रही है मैनू। देखो इस तरह है कि बहुत सारे विद्वान आए ने और बाबा नजमी हुणी चीफ गेस्ट है ने, और जिहड़े बहुत सारिया बुक्स दियाँ इनोग्रेशन हुई ने, लॉन्च किया है बुक्स नू, और होर सारे कवियां ने और इंटलैक्चुअल ने मिलकर पंजाबी दे बारे गल की है। मैं समझदा कि इंज दे जिहड़े उपराले ने वह बहुत जरूरी हैगे है पंजाबी नू अगे वधाउण लई। मैं मुबारकबाद दिना है RSFO ते सारे प्रबंधकां नू, और मैं ये उम्मीद करदा कि अगे तो भी पंजाबी दे प्रोग्राम इंज ही होंदे रहणगे। शुक्रिया। अज इत्थे जिहड़ा रामगढ़िया सिख फाउंडेशन ऑफ ओंटेरियो वालों सरबसांझा कवि दरबार कराया जा रहा, यह बहुत शलाघाजोग कदम हैगा जी प्रबंधकों का। दूजा ये जिथे दोवां पंजाबां दी बहुत वड्डी शख्सियत बाबा नजमी जी नूं सन्मानित किया जा रहा, तो उन्हां तों उन्हां दी लेखनी बारे गलबात सुनी है, ये तो बहुत भावपूर्त गल हुई है जी अज। तो दूजा इत्थे इस टाइम दो जां तीन लेखकां दीआं जिहड़ियां पुस्तकां रिलीज़ कीतियां गईआं, उन्हां लई सारिआं नूं बहुत बहुत वधाईआं, तो सारे प्रबंधकों को बहुत बहुत बधाइया। अज का जो प्रोग्राम रामगढ़िया सिख फाउंडेशन वालों जो कि लिखा गया चौथा सालाना सरबसांझा इंटरनेशनल सरबसांझा कवि दरबार जिदे कि अज इत्थे रौनक मेला लग्या होया, उस विच बहुत भरमी हाजिरी हुई है। सब तो वड्डी खुशी की गल है भी पाकिस्तान के मशहूर जो कि सारे संसार जी मशहूर है आलमी बाबा नजमी जी जो कि साढ़े पहुँचे है, उन्होंने साड़ी होर भी रौनक बढ़ा के सानू धनवादी बनाया, बहुत वधिया लग्या। तो इस करके अज का प्रोग्राम जिहड़ा बहुत वधिया चल रहा है, इस टाइम भी कवि दरबार चल रहा जी, हालांकि बहुत टाइम साढ़ा 4 बजे तक सी पर सानू टाइम होर वधाउणा पिया, बहुत वधिया लग्या। बहुत ही दूरों दूरों जिहड़े खास करके इंडिया पाकिस्तान तो जो शहर आए है उहदे नाल नाल कनेडा के भी कई कोणियां दे विचों, ते हालांकि USA दे विचों भी अपने शायर जो कवि साहिबान इतने पहुँचे है, असी सारिआं नूं जी आइआं कहिंदे आ, ते बहुत बहुत धन्नवाद करदे आ। खास करके सारे मीडिया का जिन्होंने साडा सुनेहा जिहड़ा सारे कनेडा वाइड पहुँचाया, तो उत्थों सानूं इन्ना भरमा हंगारा मिलिया, बहुत वधिया लगता है। इस TV प्रोग्राम भी असी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जिन्होंने सानूं इत्थे अपना बुला के अपना सद्दा दे के इत्थे सानूं अपना TV ते पहुँचण दा मौका दिता। इन्ना कहिंदा हां मैं सारा बहुत धन्नवाद करदा। अखीर च फतेह बुलाउणा वाहिगुरू जी का खालसा
अज दा जो चौथा अंतरराष्ट्रीय सर्ब संझा कवि दरबार जो इत्थे सेंचुरी गार्डन 340 वुडन स्ट्रीट ते हो रहा, बहुत भरवा हंगारा मिलिया। शायरों वालों भी ते दर्शकों वालों भी बहुत सरोते हजे तक आनंद माण रहे, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया, पर फिर भी प्रोग्राम बहुत वधिया चल रहा। जिस तरह आपनूं पता कि असीं पहलां भी सूचना दित्ती सी कि इस कवि दरबार की जो मुख मेहमान सन वह बाबा नजमी जी जो पाकिस्तान तो लेंदे पंजाब तो इत्थे पहुँचे ने, उन्होंने अपनी शायरी के कमाल अपनी शायरी के जौहर जिहड़ी वो आम बंदे दे हक्कां लई गल करदे हैगे आ, हमेशा जो हर जुल्म दे विरुद्ध वह उठ खड़ोंदे आ, ते नाल ही नाल पंजाबी बोली दे झंडा बरदार है, वह इन्होंने इत्थे आण के सानू नवाजिया। तो बहुत भरवां रहा प्रोग्राम, सारे GTA न्यूज़ ग्रुप वालियां दा या बाकी मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने आके सू कवरेज दी है, बहुत बहुत मेहरबानी। अज का कवि दरबार बहुत ही सक्सैसफुल रहा। बाबा नजमी जी का सत्कार करना साडा बनता सीगा, दोनों ही पंजाबां दे सांझे कवि वजों अज वह स्थापित हो चुके हैं, और उन्होंने पुस्तक जिहड़ी हैगी आ मैं इकबाल पंजाबी का भी अज काफ़ी लोगों ने सराहना की, बाय की, और बहुत वधिया उन्हां दीआं कवितावां रहियां। बाकी भी सारे कवियां ने बहुत वध चढ़ के जिहड़ा प्रोग्राम किया, और असी आस करते हैं कि इहो जिहा प्रोग्राम जिहड़े अगे तो भी हुंदे रहिण। दलजीत सिंह गेंदू हुणा दा बहुत सहयोग हैगा आ इत्थे पंजाबी बोली नूं स्थापित करन लई और इहो जिहा फंक्शन करवाउण लई, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। असी अज सेंचुरी गार्डन रिक्रिएशन सेंटर 340 वुडन स्ट्रीट ईस्ट ते पहुँचे हाँ, क्योंकि इत्थे RFSO वालों एक इंटरनेशनल सांझा कवि दरबार हो रहा, जिहदे कि गेंदू साहब का एक बहुत वड्डी देण जिन्होंने इस कवि दरबार नूं आयोजित किया, पंजाबी बोली की सेवा की, ये बहुत ही शलाघाजोग कदम ता कि इहदे नाल पंजाबी बोली की सेवा हो सके। धन्यवाद। अज जिहड़ा कवि दरबार होया हैगा वा सेंचुरी गार्डन रिक्रिएशन सेंटर दे विच, साध दलजीत सिंह गेंदू हुणा ने इहदा प्रबंध किया हैगा, मैनूं बहुत चंगा लगा। बहुत वख-वख देशां तों इन्हां ने कवियां नूं बुलाया ते मौका दिता, ते कवि दरबार दी साडे सिख धर्म विच महत्ता ही बहुत है, कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने 52 कवि अपने दरबार विच रखे सीगे, ते उन्हां दे पैड़ां ते चलदे होए साध दलजीत सिंह जी गेंदू उन्हां दी संस्था दे वल्लों अज कवि दरबार कराया गया, क्योंकि कविता दे राहीं हरेक दे बंदे दे अंदर बलवरे जिहड़े हुंदे हैगे आ उह निकलदे आ, ते कवि दी कविता जिहड़ी हुंदी आ समाज दा उह शीशा हुंदा जो समाज चहवड़े चल रहा है, उन्होंने बड़े सरल भाषा के नाल वो दर्शा जाते हैं। तो बाबा नजमी जी आए, बड़ा चंगा लगा, उन्होंने अज कहते मैं कमी हाँ तो कोई चीमा तो चट्ठा आ जाओ मेरे सामने, तो मैं उन्होंने स्टेज पर कह है भी चट्ठा तो आ गया है, चीमे को होर एक बुला लेने है, पर उन्हें जिहड़ी गल मैं होर पूछी सी कि तुहाडे पक्ष चीमे के चट्ठे बाले तकड़े है, तो बड़ी वधिया लगा उन्हों का गल, तो मैं मेरे वालों दलजीत सिंह गेंदू उन्होंने बहुत बहुत बधाइया, धन्यवाद जी।